गणतंत्र दिवस शिविर में 2274 एनसीसी कैडेट में 907 लड़कियां, पूर्वोत्तर की छात्राओं का बैंड भी पहली बार होगा शामिल। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 2024 के गणतंत्र दिवस शिविर में कुल 2274 कैडेट हिस्सा लेंगे, जिसमें इस वर्ष लड़कियों भागीदारी ज्यादा रहेगी। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने बुधवार को ये जानकारी दी। दिल्ली छावनी में एक प्रेस वार्ता के दौरान महानिदेशक ने कहा कि हर वर्ष के साथ एनसीसी में लड़कियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इसरो ने एलन मस्क से मिलाया हाथ, पहली बार स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च करेगा संचार उपग्रह GSAT-20। अरबपति कारोबारी एलन मस्क के साथ पहली बार साझेदारी करते हुए भारत उनकी कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपना संचार उपग्रह GSAT-20, नया नाम GSAT-N2, लॉन्च करेगा। यह उपग्रह इस वर्ष की दूसरी तिमाही में लॉन्च करने की योजना है। अरब सागर और अदन की खाड़ी में निगरानी जारी रखेंगी नौसेना, दुश्मनों के मंसूबों पर फिरेगा पानी। भारतीय नौसेना ने बुधवार को कहा उसके जहाज व विमान निगरानी बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा अभियान को जारी रखेंगे। गत एक सप्ताह में क्षेत्र में तैनात नौसेना के कार्य समूहों ने बड़ी संख्या में मछली पकड़ने वाले जहाजों व अन्य पोतों की जाँच की है। भारत में कैंसर से 9 लाख से ज्यादा मौतें, 12 लाख नए मामले दर्ज, लैंसेट की रिपोर्ट में खुलासा। भारत कैंसर से होने वाली मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है। 2019 में भारत में कैंसर से 9.3 लाख मौतें हुई और कैंसर के 12 लाख नए मामले दर्ज किए गए। द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में ये बात कही गई है। भाजपा युवा मोर्चा शुरू करेगी नवमतदाता अभियान, 1 करोड़ नए वोटर्स तक पहुंचने का लक्ष्य। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा हर मोर्चे पर कमर कस चुकी है। इस कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए भाजपा जनवरी में एक नया मतदाता संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत पार्टी ने देश भर में लगभग 5000 सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई है। बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ाई रणबीर कपूर की, एनिमल करोड़ से गिरकर लाख में पहुंचा बिजनेस। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने खूब चर्चा बटोरी। फिल्म की तारीफ भी हुई और आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। कुछ दर्शकों को इतनी पसंद आई कि 2 बार फिल्म देख डाली, वहीं कुछ से 1 घंटे भी नहीं झेली गई। होंडा टू व्हीलर्स इंडिया ने दिसंबर 2023 में बेची 3 लाख से ज्यादा यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 27% की बढ़ोतरी। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने दिसंबर 2023 में बिक्री के बारे में बताया है। कंपनी ने पिछले साल दिसंबर महीने में बेची गई 150,171 यूनिट की तुलना में 27% की वृद्धि के साथ 317,123 यूनिट की कुल सेल की है, जिसमें घरेलू बिक्री और एक्सपोर्ट शामिल है। एक और दोपहिया वाहन बाजार में बिक्री की गति कम रही है, लेकिन HMSI द्वारा इसे पॉजिटिव नोट पर बंद किया गया है। केप टाउन में तेज गेंदबाजों का हल्ला बोल, दिन में गिरे 23 विकेट, रिकॉर्ड्स बुक हुई तहस नहस। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 जनवरी से केप टाउन में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 55 रन पर 10 विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गई। इसके बाद भारत की पूरी टीम पहले दिन ही 153 रन पर पवेलियन लौट गई। ऐसे में इस मैच के पहले दिन कई रिकॉर्ड बने।